हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई साहब, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी चीज बनाने वाले हैं जिसके अंदर कोई भी नहीं रहना चाहेगा, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन गाइस, हम लोग जा रहे हैं उसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए और देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं हॉटेस्ट एनाकोंडा टनल, जो कि बहुत बड़े साइज की होगी। बहुत बड़ी का मतलब है 200 फीट की हॉटेस्ट एनाकोंडा टनल, यानी कि एक ऐसी टनल जो कि बहुत ज्यादा गर्म होगी अंदर से, और वो इतनी सिंपल चीजों से बनेगी गाइस, जो कि आपने सोचा नहीं होगा, आपने सोची ना होगी। क्योंकि यहां पर हमारे पास में है एक ब्लैक कलर की काफी हैवी ड्यूटी पॉलिथिन, और गाइस इसमें जो है लगभग 25 किलो से ज्यादा वजन है, बहुत भारी है। तो इसको जो है बिछा देंगे, इसमें हवा भरेंगे, और गाइज आपको पता ही है कि जो ब्लैक कलर की चीज है वो होती है गर्म। और अभी फिलहाल है चिलचिलाती धूप, हालांकि जो बादल है वो यार गाइज बड़े ही जबरदस्त हो रखे हैं, लेकिन जो धूप है उसका कोई रास्ता में सोल्यूशन नहीं है, बट इस वीडियो के लिए धूप ही जरूरी है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और गाइज, जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे लिए सिर्फ वो लाइक का बटन ठोक देना गाइज, बिना लाइक किए नहीं जाएगा। तो ये जो आइडिया है ये आया था जब हमने बहुत बड़ा यहाँ पर सोलर बलून बनाया था ब्लैक कलर वाला, लेकिन उसकी जो पन्नी थी गाइज वो एक तो काफी हल्की थी तो ऊपर उड़ रही थी, और साथ ही साथ में वो जो है इतनी बड़ी भी नहीं थी साइज में, तो उसके अंदर घुसना जो है उतना ज्यादा सही नहीं था क्योंकि वो यहां तक ही आ रही थी। लेकिन ये पन्नी हमने काफी ज्यादा डायमीटर की लिया ताकि इसके अंदर घुसा जा सके, और अंदर से ऑब्वियसली यार ऐसी चिलचिलाई धूप में गर्म तो ये भयंकर होने वाली। तो उठाते हैं पहले तो पन्नी को, बिछाते हैं। और यार, अरे जल रही है यार ये, ओ शिट जल रही है भाई, इसको खींच के चलना पड़ेगा। आ जाओ, 200 फीट है, 200 बहुत ज्यादा है, 100 फीट से ज्यादा जो हम गाइस निकाल चुके हैं, लेकिन पन्नी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो हम लोग चले जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये खेत के इस एंड को टच यहां पर कर जाएगी क्योंकि बहुत बड़ी है। अरे यार भाई, इतनी गर्मी बाहर ही है, अंदर यार जो इसकी भवक आ रही है ना गरम गरम, वो सोच के दिमाग खराब हो रहा है, सच्ची बता रहा हूं गाइस, ये वास्तव में चैलेंज ही होने वाला है। तो भाई इस एंड को हम जो है गांठ लगा करके बांध देंगे, लगा दें ताकि इधर से जो हवा है वो लीक ना हो। हवा ऐसे चल रही है तो उस साइड से भरेंगे इसमें हवा। तो गाइस, इस तरीके एक्सपेरिमेंट करके और भारी भरकम चीजें करके यार थकान तो बहुत ज्यादा हो जाती है और भूख भी बहुत ज्यादा लग जाती है, और उधर से उन्होंने भरना शुरू भी कर दिया। ओए आ जाओ। अबे यार, अपने पास लाइट है, अपन लाइट लेके आए हैं। अरे यार गाइस, अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है भाई। ओए अबे, टनल दिख रही है भाई, भीतर बहुत तगड़ी। एक बार इधर आओ, एक बार आके दिखाओ इधर। आई डोंट नो आपको कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा एक बार एडजस्टमेंट करो गाइस। अबे यार, अंदर जो है टनल दिख रही है, बहुत लंबी दिख रही है, बहुत लंबी दिख रही है। कौन तो गए यार। तो गाइस ये बन चुकी है हमारी टनल, अब इसमें घुसने की बारी है। आ जाओ घुसते हैं अंदर गाइस। अब मैं इसके अंदर घुस रहा हूं, घुसने के बाद इसमें हवा भरी जाएगी और इसको बंद कर दिया जाएगा। तो भाई अब जो है इसमें से गरम गरम हवा आने लग गई है, मैं जा रहा हूं अंदर। ओह मैं जल गया, अरे जल रहा हूं मैं भाई साहब, भयंकर गर्मी है। ओ तेरी, अरे हवा भर दो इसमें यार, ये टच हो रही है जहां भी वहां जल रहा है, और कभी कभी ठंडी हवा आ रही है इधर से। तो भाई साहब, अरे यार एक बार आगे देखो गाइस, मेरे को पूरा 200 फीट की टनल दिख रही थी अभी, लेकिन अब जो हवा की वजह से ये जो टनल है इधर उधर हो रही है, और बहुत तेज गर्मी लग रही है, और बहुत तेज गर्मी है। ओ तेरी भैंस की टांग, ओ भाई, ओ मैं भाई जल गया, ओ तेरी अरे टच मत करो, उठाओ जल रही है उठाओ। दोस्तों अब हम लोग जो है आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे, ओए भाई हवा भर के रखना यार, जैसे ये टच होती है ना बड़ी दिक्कत होती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई साहब ये जो जगह है ना उबल रही है फिलहाल, अरे उबल रही है, अंदर आ जा, आ जा उबल रही है। ओ ओ ओ भाई, एक बार मुझे कैमरा दो, वो कुछ ही हो रहा था भाई, खुश हो रहा, पकड़ो इसको पकड़ो गाइस। अबे यार, ओ भाई, अबे यार इतना ज्यादा गर्म है, देखो पसीना पसीना आने लग गया, और भयंकर गर्म है भाई। और ये पता है इतना ब्लैक नहीं है, ये तो दिख रहा है कैमरा सेटिंग को, यार भाई हालत खराब हो रही है, एक्चुअली में तो ये ऐसा है। अरे यार भाई साहब, सांस ही नहीं ली जा रही यहाँ पे, तो
सांस नहीं आ रही ना? नहीं आ रही गाइस, घुटन हो रही है, घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही सही ढंग से। लेकिन गाइस कुछ नया एक्सपीरियंस था। आप लोग प्लीज प्लीज ऐसा कुछ भी गलती से भी डोंट ट्राई, कुछ भी ट्राई मत करना। क्या हो गया उसको गाइस? देखो जो दूसरा एंड है जिधर से हम आए हैं, मोहित हट एक बार, हट जा एक बार, हट जा। वो दिखेगा नहीं? अरे नहीं दिखेगी, वो तो ऐसी चमक है, वो रिफ्लेक्शन है गाइस। इधर इधर खुल गया, गेट खुल गया। ओए ओए बढ़ गई, खुल गया, बच जाओ बच जाओ। चलो 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 पकड़। ओए अरे ये चल रहा है, पकड़ पकड़। ओए गरम है, अरे भयंकर गरम है भाई। भाई साहब इस गेम में दूसरे एंड पे आ गए और ये सबसे ज्यादा गर्म जगह है, और भाई साहब पसीना भयंकर तरीके से आने लग गया इसमें, और अब थोड़ी सी आदत हो गई, सांस नहीं आ रही यार अंदर आके, सांस नहीं आ रही गाइस। पता नहीं क्या हुआ है इसके अंदर आकर के, सांस नहीं आ रही है, मतलब खींच खींच के लेनी पड़ रही है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास हमेशा ऑप्शन है इसको फाड़ के बाहर निकलने का, लेकिन यार गाइस ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं होता है। अरे जल गया, ओए ऊपर चढ़ जा, अरे ना ना चलता भाई, भाई भाई चिल्लाने का मन कर रहा है, भयंकर तरीके से। चलो चलो बाहर। अरे यार आज तो अजीब ही चीज जो है यहाँ पर मोल ले ली। लेकिन भाई आपको कुछ दिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है यार गाइस, लाइक जरूर से कर देना इसके लिए। जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ आपको कुछ नया दिखाने के लिए कर रहे थे कि हॉटेस्ट टनल गाइस, डेफिनेटली हॉटेस्ट टनल बना चुके हैं, इससे गर्म टनल कहीं नहीं है। यहाँ पर गाइस ये रहा है कि जो ब्लैक कलर की जो पॉलिथीन है ना वो गर्म हो रही है, क्योंकि बाहर सूरज है और उसकी वजह से जो अंदर की हवा है वो भी गर्म हो रही है, और वही गर्मी जो है वो एट द एंड हमको लग रही है, और हमारी जो हालत कैमरा भी जल रहा है बुरी तरह से। दोस्तों हम इसके अंदर इतने बैठे हुए हैं ताकि आपको कुछ नया दिखा सके, नया तो क्या दिखा सके, आपको एक्सपीरियंस दिखा सके कि हॉटेस्ट टनल के अंदर होता क्या है अंदर घुसने पे, इतनी गर्मी अगर होगी तरीके से। अरे यार जल गया सर, जल गया मेरा यार। चलो 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 जल्दी निकलो, चलो यार भाई साहब सांस में इतनी दिक्कत हो गई, हाँ भयंकर तरीके से भाई, बेकार नहीं होगी गाइस। अरे यार बाहर आके तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है मेरे को यार, भाई मेरी हालत ही नहीं। अरे कैमरा और कोई ले लो ना यार, इसको छोड़ दो भाई साहब, हालत जो है ना वो यहाँ पर हो चुकी है खराब, और मन कर रहा है बस सो जाऊं यहीं पे ही। अबे क्या किया था हमने, क्या किया था हमने, इधर आओ एक बार देखो एक बार, ये बाहर की धूप तो धूप ही नहीं लग रही, बस आंखों में लग रही है ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो पैंट जो है आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं, क्योंकि वो भीग गई है यहाँ से। अरे यार गर्मी लग रही है भयंकर वाली, छोड़ो यार भाई। गाइस मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा आपको, प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। मोहित कैसा लगा? बहुत गंदा है, सांस नहीं आ रहा मुझे भाई साहब। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आ रही थी यहाँ पर सांस की, और पसीने वसीने गर्मी, मतलब इतना एक्सट्रीम चीज़ हो गया। लेकिन यार एक नया एक्सपीरियंस था, कुछ भी कहो एक नई चीज़ हमने आज ट्राई करी। आप लोग ऐसा प्लीज़ कुछ भी ट्राई मत करना गाइस, इसके अंदर जाने का मतलब है कि खुद का सर जो है उसको मतलब धूल में जो है झोंकना, धूल में नहीं खुद के सर को आग में देना, और जैसे ही टच होता है भाई ऐसा जलता भयंकर तरीके से। अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड है बाहर आने के बाद में। तो अगर आपको मज़ा आया गाइस इस वीडियो में, अरे यार भाई साहब मेरे को तो यार दिक्कत हो रही है यार बहुत ज़्यादा, और पता ही अलग ही घुटन सी भी होने लग गई थी यार अंदर, बिल्कुल भी सांस नहीं आती सही ढंग से। तो गाइस अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो लाइक ज़रूर से कर देना वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।